तो गाइस मैंने पिछले एपिसोड में यहाँ पर ही ख़त्म किया था, तो अभी आगे देखिए, आगे भी बहुत मज़ेदार गेम प्ले होने वाला है। तो पिछली बार मुझे एक बैन के पास में जो जेनेटर मिला था, अभी मैं मुझे क्या करना है, उस जेनेटर को डिस्ट्रॉय करना है बैन के फ्यूचर में, मतलब जो पास में था ना उसको, अभी पास में तो मैंने ढूंढ लिया, अभी मुझे फ्यूचर में ढूंढना है उसको, फ्यूचर ढूंढने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सीस नया है, देखो यहाँ पर जले के पीछे से ये देखो कहाँ से आग निकल जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, ध्यान से एनिमी को भी ख़त्म करना होगा। और ताप हो रहा है, जब भी मतलब मैं मेलवेयर के पास जा रहा हूँ, जितना पास जा रहा हूँ उतना पास ही मतलब ताप हो रहा है, उतना पास ही न्यू एनिमी और न्यू एलियन अनलॉक हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरफ जाना कोशिश कर रहा था, इस तरफ शायद रास्ता हो या कोई एक्सपी मिल सकते, ऐसा बॉक्स मिले, नहीं यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, तो चलो वो नीचे ही था भाई, मैं कुछ और ही बोल रहा था, नीचे ही था। तो यहाँ पर शायद एक्सपी मिलेगा, क्योंकि रुक के लिए एक्सपी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि रुक का एक्सपी ख़त्म होने वाला था। तो कोई बात नहीं, तो चलो रुक एक बार ख़त्म हो जाए तो एक्सपी फिर से मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर ग्रेविटेक बनना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रेविटेक का जो पावर है ना वो एक बार में ख़त्म कर सकता है। ये देखो ग्रेविटेक का जो ये पांच है ना आठ क्विक वाला, वो इन लोगों को उठा उठा के मारेगा, देखना। आजा बेटा आजा, प्यार से जितना सबको मिलेगा इतने जोर जोर से मत मारो भाई, डिस्ट्रॉय मत करो। चलो ये ख़त्म हो गया, शायद और एक बाकी है, हाँ हाँ और एक बाकी है, देखो स्पॉन हो गया अभी, तो इन लोगों को ख़त्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सब ख़त्म हो गया, तो ओ नाइस, अभी ऑप्शन आ गया है ऊपर जाने के लिए, मुझे शायद इस जाले से ही जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फोरेंस बनना है, तो उससे पहले मैं क्लीन अप कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो सकता है ना, इसलिए जितने भी एमबी एक्स्ट्रा है उसको क्लीन अप कर लेता हूँ। और अब लोगों के पास अगर ऐसा है तो कर लो, देखो 4.6 GB क्लीनर हो गया भाई, तो इसलिए इतना लेग मार रहा था, तो अभी थोड़ा तो स्पीड हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो चलो अभी इसको गेम को कंटिन्यू करते हैं। तो नाइस, मुझे अभी नीचे जाना है, तो ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे ही जाना होगा। आजा बेटा, रुक ध्यान से आना, तू मर मर जाता है जल्दी जल्दी। और यहाँ पर शायद मुझे और भी एलियन आएगा, क्योंकि देखो ऐसा सुनसान, मतलब सुनसान कोई नहीं है, ऐसा कोई जगह हो तो वहाँ पर कोई ना कोई एलियन आता ही है, देखो ये चलो। इसलिए मैं पहले से ग्रेविटेक बन लेता हूँ, और इसको एक साथ कॉम्बो देता हूँ सबको। ओ भाई ग्रेविटेक का कॉम्बो देखो, एक बार में सब खत्म हो गया, एक्सपी कितना मिला देखो, यहाँ से मुझे ग्रीन कलर एक भी एक्सपी मिल रहा है, तो इसलिए मतलब जो रुक बैन का ग्रेविटेक ना, इसका पावर अभी गया नहीं, क्योंकि 2-3-5 मारने से उसका पावर चला जाता है, क्योंकि अभी यहाँ इन लोगों को मारने से मुझे ग्रीन कलर पॉइंट मिल रहा है, तो इसलिए ऑनलिटिक सार्च हो रहा है। तो चलो अभी इनको ख़त्म कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर एक ही बच्चा है जो सील लेकर बाकी है, तो आजा बेटा। तो अभी आगे क्या होने वाला है मुझे बिल्कुल याद, मतलब बिल्कुल पता नहीं क्या होने वाला क्या है, तो ट्राई करता हूँ अभी यहाँ पर खेल के। चलो अभी आगे बढ़ता हूँ, तो आगे क्या होता है। और यहाँ पर बहुत लेग हो रहा है, कोई बात नहीं, इसी तरह से लेग होते रहता है कभी कभी, मतलब जब भी अभी बैन के पास में अगर जाऊँ ना तो इतना लेग नहीं होता, क्योंकि बैन के फ्यूचर में बहुत सारा ग्राफिक्स आ गया ना, इसलिए लेग होना स्टार्ट हो गया है, तो समझ गई है। और ये मैंने बहुत कोशिश की थी इसको लेग ना हो, तो नहीं होता है इसका, मतलब जो ग्राफिक्स पॉइंट है वो भी कम कर दिया था, लेकिन नहीं होता है, कम नहीं होता है। तो चलो अभी गेम में फोकस करता हूँ। तो अभी मैं ब्लॉक्स बन गया, ब्लॉक्स से एक ही तरीका है, दूर में जो एनिमी होता है इसको मार सकता हूँ। तो अभी ग्रेविटेक नहीं, बैन चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर कोई एनिमी नहीं है। और यहाँ पर लीप देखो कितना, ओ भाई कितना फास्ट है, ओ भाई कितना फास्ट है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ तो इसी तरह से मुझे उस पर जाना होगा, रुक को देखो कितना आसानी से आ रहा था, ठीक है। ओ नाइस, शायद मुझे यहाँ पर एलियन मिल सकता है, उससे पहले मैं क्या कहता हूँ वो वाइल्ड मार्ट को अनलॉक कर लेता हूँ, अनलॉक ही है शायद, हाँ अनलॉक है, तो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता चलेगा क्यों ज़रूरत है। ये देखो इस चीज़ के लिए, हाँ ये रहा। तो एलियन पर तो एलियन आ गया है, तो सबसे पहले देखता हूँ जितना हो सके कोशिश करता हूँ, उसके बाद ही ग्रेविटेक बनूंगा। रास्ता क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, हो गया। और है क्या, नहीं ठीक है, ग्रेविटेक बन गया। अभी आ जा बेटा, सबको एक साथ मैं दूंगा, आ जा। गया सब एक साथ, गया ये भी, गया
सील लेकर आ गया, इसको भी दूंगा, रुक आजा, ये प्रसाद ले ले भाई, तुम्हारे लिए प्रसाद बस रहा है, आजा आजा। ओ भाई इतना सारा एलियन आ गया है, आजा बेटा आजा आजा आजा, सबको सबको मिलेगा, आ जाओ एक एक करके सबको मिलेगा, आजा। और यहाँ पर एक बॉक्स है, तो मुझे उस बॉक्स को खोलना है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन खोलना तो है। और रुक, फुली अपग्रेड ऑल रुक्स प्रोटोटोल, रुक का प्रोटोटोल फुली अपग्रेड हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर खोलना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है, मुझे क्या मिलेगा, स्मूडी पावर अप, लेवल अप, स्मूडी मिल गया, मेरा लेवल अप हो गया है। तो और मुझे और एक चाहिए, एक ही चाहिए, एक एक होने से मतलब लेवल अप हो जाएगा, समझ गया, ठीक है। तो पहले इसको फिर इसको, नहीं अभी भी नहीं खुल रहा है, अभी ये हो गया, इसके बाद शायद ये वाला खुल जाना, हाँ ये खुल गया है, तो उसके बाद ये वाला, नहीं तो मुझे फिर से करना होगा, समझ गया, पहले ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये दूसरा, और तीसरे नंबर वो वाला है उस तरफ का, ठीक है ये वाला, तो ये लास्ट है, हाँ ठीक है ये खुल गया, तो ये लास्ट है, तो आजा हो गया, तो ये दरवाज़ा खुल गया, ओह नाइस, ऐसा पर्जल अच्छा लगता है भाई मुझे, ओह नाइस भाई, ये वही है ना खाइबर का शिकारी, ठीक है समझ गया। तो भैंस अभी देखो खाइबर का शिकारी आ गया है, तो वो शिकारी डॉग आ गया, तो ये शायद वो क्या क्या कहते हैं अर्थक्वेक वाला जो जो एलियन होता है ना, जो मतलब जो ज़मीन को खोदता है ना, येलो कलर का होता है, उसका नाम क्या था, आरटीबी ने कि क्या कहता है उसका नाम, वो था, उसका शिकारी है, कुदरती शिकारी, समझ गया। तो इसको मैं दूसरे एलियन से मार सकता हूँ, और जल्दी से जल्दी इसको भी मैं मतलब इसको भी मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत देर के बाद लड़ने के बाद इसका एक्सपी कुछ इस तरह का हो गया है, तो अभी मुझे कुछ ना कुछ मतलब एक एलियन अनलॉक करने वाला हूँ, वो शायद हीट ब्लास्ट होगा, हाँ हीट ब्लास्ट दूर से मर सकता है, तो इसलिए मैं हीट ब्लास्ट का अनलॉक करने वाला हूँ, तो बाद में इसको फिर से रिप्लेस कर लूँगा डॉग के साथ, वाल्मार्ट के साथ। तो एक मिनट, यहाँ पर सारा का सारा मिट्टी है, लेकिन उसमें क्या है, बोसिस क्यों दिया है भाई, एक बार देखना है मुझे उसके ऊपर। सबसे पहले इसको इसका लाइफ ख़त्म कर लेता हूँ, और इस तरह से मारने से भी मेरा अमली की बहुत सर्च ख़त्म होता है, इसका पावर बहुत होता है ना इसलिए। और ये देखो कितना स्लो लाइफ जाता है इसका, क्योंकि ये भी नेमेटिक्स है ना इसके पास, इसलिए इसका पावर मतलब इतना ही है, बहुत ज़्यादा है इसका पावर ओमलेटिक्स के, इसका नेमेटिक्स है इसका पास, तो इसलिए मेरे पास ओमलेटिक्स है, ओमलेटिक्स का अपोजिट नेमेटिक्स, तो इसलिए आप लोगों को पता ही होगा नेमेटिक्स किसने बनाया था, वो क्या कहते हैं ब्लू कलर का जो है ना, वो एजमक से जलता है, वो खाइबर का डॉगी है ना, वो खाइबर का डॉगी है ये बाय द वे वैसे तो। तो मैं इसको बहुत ट्राई कर रहा हूँ, देखते अभी ज़मीन के नीचे घुस रहा है, तो आ जा बेटा बाहर निकल बाहर निकल 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 उपाई, मेरा ऑमलेटिक्स तो सर्च ख़त्म हो गया, तो जल्दी से सर्च कंप्लीट कर दो। तो एक मिनट देखो, चारों तरफ से मिट्टी है, फिर भी यहाँ पर ये पत्थर है, या ये क्या है, ये वाला सीस आइस, ये वाला, तो एक बार देखना है इसमें क्या, ठीक है आजा आजा। ओ भाई इसके नीचे से नहीं आ सकता है, समझ गया। तो इसके नीचे से अगर वो आए तो इसको बहुत ज़ोर से धक्का मिलता है, तो मैं यहाँ से निकलने वाला नहीं हूँ, तो समझ गया मैं इसके नीचे इसके ऊपर से जाने वाला भी नहीं हूँ, अभी यहाँ से मैं फाइट करूँगा उसके साथ, क्योंकि इसके नीचे से अगर वो आने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ज़ोर से धक्का मिलेगा, तो समझ गया इसी तरह से मतलब इसका लाइफ भी जाएगा। नाइस आजा आजा, मार पावर ख़त्म हो गया, तो एक बार ट्राई करता हूँ इसको इधर लाने के लिए, कोशिश करता हूँ, अच्छा रुक इसको इधर लेकर आ, जाओ 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 भाई, और मेरा सबसे पहले ओमनीटिक्स चार्ज लो, मतलब ओमनीटिक्स का बैटरी फुल हो ले, उसके बाद ही उसको जाऊँगा बुलाने के लिए, आजा अभी शायद वो नीचे जाएगा, ठीक है नीचे गया, तो आजा आजा भाई रुक उधर है ना इसलिए, आजा आगे 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 आगे, ओह फिर से गया, देखना अभी वो ज़मीन से नीचे जाता है, लेकिन बाहर आने से जो भी जगह में साथ धुआं जैसा निकलता है वहाँ से ही निकलेगा, तो इसलिए मतलब मुझे पता चल जाता है कहाँ पर ये निकलने वाला था। तो भाई थोड़ा ही लाइफ है, थोड़ा सा
तो ठीक है, फिर से बाहर आ गया। तो मेरा बैटरी कम हो गया, तो इसको फुल करने के लिए रुकता हूँ और ट्राई करता हूँ हाथ से मारने के लिए। कम से कम मर जाएगा शायद हाथ हाथ से मारने से। नहीं, आजा आजा आजा, इस तरफ आजा, इस तरफ, इस तरफ आजा, इस तरफ, इस तरफ रुक, इस तरफ आजा, आजा आजा आजा, चली 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 चली, चली। खत्म 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, खत्म हो गया। अभी क्या करना है? ओ भाई रुक, ओपी इसके सर के ऊपर आ गया, नाइस। अभी बैन क्या बनेगा? ओ आर्टिगुआना, नाइस, जमा दिया उसको पूरा। फिर आएगा हिट ब्लास्ट, इसके मुंह के अंदर जाएगा शायद। हाँ सर, जल्दी जल्दी जल्दी, अटैक अटैक अटैक, खत्म, गेवी टेक भाई, वाई ओपी। पकमार का दुकान है ये क्या? पकमार का दुकान है क्या ये? दे उसको दे, खत्म। निकल निकल, अभी निकल यहाँ से निकल, और एक्सपी मिल गया मुझे बहुत सारा। Guess we showed him. Showed him what? हाँ क्या सो? खाई बार आ गया है। Yes, I know, my friend. You want to fight, but I feel that Ben Tennyson and his friend are on the verge of shifting the balance of power. ठीक है। I was content to serve nowhere as long as it was beneficial to me, but perhaps it is time to let him fend for himself. But fret not. Someday I will add Ben Tennyson to my trophy collection. He is indeed prey worthy of Khyber the Huntsman. ओ भाई समझ गया, ये खाइबर मेलबे के लिए मैं टाइम निकल रहा है। तो भाई खाइबर तेरा तो सपना सपना ही रह गया। तू तू मुझे मतलब बेन टेनिसन को कभी ट्रॉफी की तरह नहीं ले सकता है। चल चल निकल यहाँ से। तो यहाँ पर मुझे गुड टाइम टू केविन कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये देखना होगा फुटप्रिंट कहाँ तक है, किस कैसा करना होगा, खोलना होगा इसको। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए इस गड्ढे के अंदर। सबसे पहले इसके देखो, इसके ऊपर रखने के लिए कुछ बॉक्स जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई बॉक्स वाला नहीं है, तो मैं सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ तो बॉक्स वाला कहाँ है। तो फ्रेंड्स बहुत कोशिश करने के बाद मुझे वो ऐसा बॉक्स नहीं मिला है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कम से कम कैनन बॉल से यहाँ पर जम होने से शायद ये खोल जाए, तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसको खोलना है, तो समझ तो गया। इसको खोलने के बाद मैं उसके ऊपर क्या रखूँगा वो भी मुझे मालूम नहीं है। तो देखता हूँ भाई, खुल जाइए, ये तो खुल गया है, यहाँ से करंट मिल गया है। तो अभी मुझे ठीक है इस तरफ देखना है, रुको इस तरफ। हाँ ठीक है समझ गया, इस तरफ मैं एक बार देख कर रहता हूँ यहाँ पर कोई बॉक्स ब्लॉक और समझ गया मैं समझ गया क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे वो एलियन बनना है जो ब्लॉक से बनता है, जो अभी रूक ने मुझे बताया कि मुझे ब्लॉक वाला एलियन बनना है। तो इसके लिए मुझे ब्लॉक वाला एलियन को अनलॉक करना होगा। तो वो कहाँ था? ये रहा, इसको अनलॉक करना होगा, इसलिए टाइम लगता है थोड़ा अनलॉक होने से, लिस्ट से बाहर आने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलो इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ठीक है, ये ब्लॉक्स ये वाला इस चीज से मतलब ये बनता है ना, इसको रखना होगा यहाँ पर। तो इसको हाँ ठीक है समझ गया, जाना आगे जाना। नहीं अरे क्या हुआ? अरे भाई डायरेक्ट बॉक्स के अंदर नहीं बनता है क्या? अरे अरे हो क्या रहा है? इस तरफ तो नहीं हो रहा है, उस तरफ होना चाहिए। एक बार इस तरफ भी देख लेता हूँ, नहीं हो रहा है अभी भी। ओ समझ गया, अभी मुझे बॉक्स बनना है, बाकी खींच कर रुक लेकर जाएगा। यस यस समझ गया समझ गया, मतलब सीधा ब्लॉक उस चीज के ऊपर बॉक्स नहीं बन सकता है, समझ गया। तो मुझे बाहर बनना है इस तरह से। हाँ ठीक है, तो रुक इस तरफ था ना, इसलिए मतलब उस तरफ खींच नहीं पाया। ओ नाइस भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, पकमार का दुकान डिस्ट्रॉय कर दिया। ओ भाई जनरेटर्स डिस्ट्रॉय चेक। अभी क्या? ओ भाई पकमार आ गया। पकमार का साइन ऑन हिज बैक सेट सेज कीप पकमार बेसिस डाउन। शीश,
ठीक है समझ गया। मतलब पकमर ये कह रहा है भाई मैं हारी मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ बेंटेंशन तुमसे, तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरे साथ क्यों आते हो? आई फील दिस We still need to find a way to restore the proper timeline before malware controls all of the tech in your world. Too bad we can't bring past and present malware together. Maybe they'd accidentally absorb each other. Excellent idea. We should get to work on a plan right away. I was just kidding. How? Man, I'm never gonna get used to that. Getting the two malwares to absorb each other is actually a pretty good idea. Don't sound so surprised. I come up with lots of good ideas, and apparently I still will in the future. If this is going to work, we'd have to lure both malwares to the same physical spot in the two timelines. Our best bet would probably be the place where Rook first appeared. The barrier between the present and future is already weak there. But how will we lure malware to that location? Nothing attracts malware like tech. The more unusual, the better. And if it's weird tech we need, I know just where to find it. तो फ्रेंड्स अभी समझ में आ गया, वो जो तीसरा नंबर मतलब जो बेन के पास में मिला था जो जनरेटर, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी लास्ट एक जनरेटर है उसको डिस्ट्रॉय करना है, मतलब बेन के पास में मुझे ढूंढना होगा, तभी बेन के पास में ढूंढ कर उसको फ्यूचर में डिस्ट्रॉय करना है, तो वो करना है सबसे पहले। और अभी ग्रैंडफा कह रहा था अभी तो शुरुआत है, क्योंकि मेलवेयर से मेलवेयर का थोड़ा सा पावर मैंने कम कर दिया है, ऐसा बोला है मेलवेयर ने। मेलवेयर से थोड़ा पावर में दो जनरेटर को डिस्ट्रॉय करके कम कर दिया है। अभी लास्ट जनरेटर इसको डिस्ट्रॉय करने से मेलवेयर का पावर बहुत पावर 100% से मतलब 40% पावर हम कम कर देंगे, 60% बचेगा वो पोर्टोटूल के लिए। वो पोर्टोटूल अगर निकल रहा हो तो उसके पास 20% ही पावर बचेगा, वो कह रहा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को ये मजेदार गेम प्ले अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, हर रोज मैं कहता ही हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी तरह से मतलब इतना लाइक कर देना, लाइक करने से आप लोगों को पता ही है मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसा रोज़ रोज़ वीडियो, रोज़ रोज़ नहीं एक दिन बाद एक दिन के वीडियो अपलोड करने के लिए। मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो अपलोड करने के लिए, फिर भी कोशिश करता हूँ हर रोज़ सुबह 8 बजे या 9 बजे वीडियो आएगा, रोज़ नहीं एक दिन के बाद एक दिन 8 बजे या 9 बजे सुबह वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलो नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।